वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट का मोड़ो फ्रेंड। चलिए देखते हैं जरा फास्ट एक मिनट में कि कैसे आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखने की हम कोशिश करें थोड़ा समय तो क्रूड ऑयल और कमोडिटी की ट्रेडिंग बढ़ चुकी है, इसके वजह से दिक्कत आ रहा है मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं कल से कंटिन्यू करूँगा। और ये अभी 16,978 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये जैसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेंगे वो 17,231 तक का हमें टारगेट मिलने वाला है। ये हमारा कमांडो जोन है, लेकिन अभी युद्ध के कारण सारी सिचुएशन डिफरेंट है। एसजेएक्स निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, तो यहाँ पे इसके भी ऊपर अगर वो ये होता तो ये तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है एसजेएक्स का, लेकिन फिर भी देखते हैं और हम यहाँ पे रेडी रहेंगे। यहाँ पे ये थर्ड का लास्ट फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे फिर यहाँ से दोबारा करेक्शन आने के चांसेस है। तो किस तरीके से करेक्शन आ सकता है फिर यहाँ पे 17,275 के आसपास, 70 यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट होना गैप अप पहली कैंडल रेड शुरू होते हैं तो यहाँ पे एक करेक्शन आना चाहिए शार्प, यानी थर्ड का फिफ्थ कंप्लीट होगा तो नया फोर्थ का करेक्शन छोटा सा तो होना चाहिए और फिर उसके बाद हमें बड़ा फिफ्थ के लिए ऊपर की तरफ हम टारगेट करेंगे। परसों के दिन जो वीडियो डाला था सारी लोग दुनिया कह रही थी कि बेरिश, तब मैंने बोला था कि अब हम बाय करेंगे और बहुत बड़ा मूव आएगा, और उस तरीके से मार्केट बिहेव हो रहा है और डेवलपमेंट उस तरीके से हो रही है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा यही में वीडियो बनाया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम लाइव बहुत अच्छे से आगे से लेंगे। ये सारे लेवल्स है कि नहीं, अगर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन किधर है, ये पेन है क्या, हाँ ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे यहाँ गैप अप होके ओपन होके इधर आके अगर बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाता है तो बाय करेंगे, इसके नीचे आता है तो बाय करेंगे। ये लेवल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे है कि नहीं, तो इस तरीके से आपको, और गैप अप बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद अगेन बाय का कोशिश मत करिए, थोड़ा रुकिए, प्राइस एक्शन देखिए, समझिए, थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दीजिए और फिर उसके बाद आप बाय कर सकते हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, हमेशा की तरह आपके साथ रहेंगे।